खुदावन के कलाम में से पत्रस रसूल की ज़िंदगी को मद्देनज़र रखते हुए इस बात को सीखा कि जब हमारी ज़िंदगी में खौफ आता है और इस खौफ के साथ वो ईमान जो हमारी ज़िंदगी में होता है, जब खौफ ईमान से टकराता है तो फिर क्या तब्दीलियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं। हमने कल खुदावन के कलाम में से इस बात को सीखा था और आज का जो मौजू है वो है खिदमत और गंदे पांव। अगर किसी की तरफ हमारे मुआशरे में रहते हुए हम करें तो ये एक बुरा काम, बुरा फेल तस्वर किया जाता है कि इस शख्स ने मेरी इज़्ज़त नहीं की। किसी की जानिब अपने पांव करना, अगर हम चर्च में जाते हैं तो हम अपनी गंदी जूती लेकर चर्च में नहीं जाते, और अगर जाना हो तो हम अपने आप को साफ़ करके जाते हैं। तो गोया पांव धोना या गंदे पांव धोकर खिदमत करना एक मुश्किल काम है, और इसी मौजू में रहते हुए आज हम खुदावन के कलाम को भी सीखेंगे। इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम को अपने लिए खोलें और आज के दिन में इन बातों पर गौर करें, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन से दुआ करेंगे। ऐ मेहरबान बाप, हम शुक्रगुजार हैं कि तू अपने कलाम मुकद्दस के वसीला से हमारी रहनुमाई करता है ताकि ऐ खुदावंद हम तुझे जान सकें, हम तुझे पहचान सकें, और वो जो ऐ बाप खिदमत तूने हमें दे रखी है या देना चाहता है हम उसको बेहतर तौर पर करने वाले हों। मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद आज जो कुछ हम तेरे कलाम में से सीखें वो हमारे लिए बरकत का बायस हो, हमारी सोचें, हमारे ख्यालात और हमारा जहन ऐ बाप इस कलाम की जानिब हो, और ऐ बाप हम आज इस कलाम को सुनकर तुझसे बड़ी बरकत को हासिल करें, मसीह यीशु के नाम से आमीन। आए हम खुदावंद के कलाम में से अपने लिए यूहन्ना की अंजील के 8वें बाब की 31वीं और 32वीं आयात की तलावत को करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से ये आयात इस डायरी के ऊपर, इस नोटबुक के ऊपर भी मौजूद है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात होगी कि अगर आप बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं तो ये आयात यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब की 31वीं और 32वीं आयात होंगी जिनको हम पढ़ेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है बेटी नीलम से, ग्यारहवें दिन में आएंगे। जबूर 119 की आयात हैं, और अगर आपके पास बाइबल मौजूद है अच्छी बात है, बाइबल को ले, लेकिन यहाँ पर भी आपके लिए आयात लिखी गई हैं ताकि आप यहीं से पढ़ सकें। जी सॉरी, 11वां दिन है, और नीलम आप बेटा इसको पढ़ दें, जबूर 119। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत हो, हमारी बरकत कलाम पे नहीं हो सकती बल्कि हमारे लिए बरकत हो पढ़ा और सुना जाना। ज़िंदगी में खुदावंद की खिदमत करना ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। हम इंसान हैं, हम खाकी हैं, और हम खुदा के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं। और खुदावंद का एक बंदा रिक वॉन, जो एक बहुत बड़ा स्कॉलर है, राइटर है, वो ये बयान करता है कि खुदा की खिदमत हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम खुदा के लोगों की खिदमत करें। खुदा की खिदमत इस तरह की जा सकती है कि हम खुदा के लोगों की खिदमत करें। और जब खिदमत की बात आती है तो आज हर शख्स ये चाहता है कि मेरे पास एक अच्छा ओहदा हो, मैं सामने एक प्रोमिनेंट शख्सियत हूँ, मैं जब सामने आऊँ तो लोगों को पता चले कि ये कोई शख्स है। लेकिन अगर कोई कमतर काम करना हो तो हम उस काम को करना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह ने उस कमतर काम को किया, और हमने मिसेस सारा डैनियल से इस बारे में सुना और सीखा, और हमने खुदावंद के कलाम में से हवाला जात पढ़े और उनकी तलावत भी हमने सुनी कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे कमतर काम जो है उसको खुद किया। और हमें ये याद रखना है इस हवाला के को पढ़ते हुए, इसके तनाजुर में,
कि यहूदी माशरे के अंदर अगर कोई किसी के घर में जाता, कोई मेहमान किसी के घर में जाता, तो मेहमान के पांव धुलवाना ज़रूरी थे। ये याद रखें कि उस वक्त में टेबल या कुर्सियां नहीं थी, लोग नीचे बैठकर दस्तरखान बिछाकर खाना खाते और वो अपने घर को बड़ा पाक और साफ रखते थे। तो मेहमान जो आते थे उस वक्त शायद जराबे नहीं थी और बंद जूतियां नहीं थी, खुले जूते थे, और जब वो चल कर आते तो पांव किसी चीज़ ख़ासतौर पर मिट्टी की वजह से या किसी दूसरी चीज़ की वजह से गंदे हो जाते थे। तो ज़रूरी ये था कि अगर दस्तरखान पर बैठे हैं तो ना सिर्फ हाथ धोएं बल्कि पांव भी धोएं। और खुदावंद यीशु मसीह जब वो अपने शागिर्दों के साथ मौजूद हैं तो ये काम उस मुआशरे के अंदर जो मुलाजम घर में होता था, जैसे हमारे यहाँ दर्जा चहारम का मुलाजम कहा जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पकड़े पांव और पांव मलकर धोए, क्योंकि जो शख्स खाना खाने बैठा वो अपने हाथ गंदे नहीं करता था कि वो पहले पांव धोए, बल्कि ये मुलाजम का काम होता था कि वो उसके पांव हाथ मलकर धोए और उनको साफ करे और उसके बाद उसको किसी कपड़े से खुश भी करे। यीशु मसीह ने जब ये देखा कि शागिर्द यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कोई खिदमत गुजार मौजूद नहीं, तो वो आपस में एक दूसरे से बोलना शुरू हो गए कि ये काम आज कौन करेगा, आज सबसे छोटा कौन बनेगा, आज सबसे कम तर खिदमत कौन करेगा। जब ये बहस उनमें छिड़ी तो खुदावंद यीशु मसीह ने वो कपड़ा जिससे पांव साफ किए जाते हैं उसे पकड़ा और खुद अपने शागिर्दों के पांव धोए। और पतरस जब हम खुदावंद के कलाम में उसके बारे में देखते हैं तो वो यीशु मसीह से प्यार भी करता था और बड़ा जोशीला शागिर्द है, और हमने ये देखा कि वो शख्स ऐसा था कि वो वादा कर रहा है कि वो मसीह यीशु के साथ मरने के लिए भी तैयार है, कुर्बान होने के लिए भी वो कहता है, गो कि उसने इनकार किया। और जब मसीह यीशु ऐसा कर रहे थे तो सब जो हैं वो अपने पांव धुलवा रहे हैं, लेकिन पतरस की बारी जब आई उसने कहा कि खुदावंद तू अब तक मेरे पांव धो ना पाएगा, तो मसीह ने कहा कि अगर तेरे पांव नहीं धुलेंगे तो फिर बादशाही का वारिस भी नहीं होगा। तो उसने कहा कि अगर ये बात है तो फिर ऐ खुदावंद मुझे सारा ही नहला दे, मैं खुद तेरी बादशाही में जाना चाहता हूँ। हम बादशाही में जाना चाहते हैं, हम अच्छे खादम बनना चाहते हैं, अपने नाम के साथ खादम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और मेरी मुराद मुझसे है, मैं खुद भी खुदा का खादिम हूँ, लेकिन जब खिदमत की बात आती है तो शायद हम औहदों और ऐसे जो डेजिग्नेशन है उनको ढूंढते हैं जिससे हम बहुत बड़े नज़र आएँ। अब पास्टर हैं तो शायद हम सीनियर पास्टर बनना चाहते हैं, हम ये जाहिर करना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं करते। मसीह ने कहा कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो छोटे की खिदमत करे, और ये खिदमत छोटी बात नहीं। जो मौजू है वो ये कि खिदमत और गंदे पांव, सबसे छोटी से छोटी खिदमत जो हम खुदावंद के घर में करते हैं, शायद वो खिदमत चर्च को साफ करना या उसको झाड़ू लगाना, उसकी सफाई करना भी है, लेकिन खुदावंद के नज़दीक ये एक बड़ी खिदमत है। सबसे पहली बात जिस पर हम गौर करेंगे ज़बूर 119 और उसकी पहली तीन आयात के मुताबिक, वो ये है कि खुदावंद की खिदमत जब हम करते हैं, और ये कहते हैं कि हम खुदावंद की खिदमत करें, तो हम खुदावंद की खिदमत उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें। खुदावंद की खिदमत कैसे करें, कैसे करें खुदावंद की खिदमत, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक करें। लेकिन आज ऐसा नहीं है, खुदावंद ये चाहता है कि हम शायद एक अच्छे ऑर्गेनाइज़र होते हुए खिदमत करें, हम पीछे बैठें और सब लोगों को मैनेज करें, लेकिन हम अपने लिए आला कुर्सियां सदर नशीनी चाहते हैं। खुदावंद इस बात को पसंद नहीं करता, और पतरस को भी यही परेशानी थी, उसको ये परेशानी खाई जा रही थी कि ये तो रबी है, निकोदीमस जैसे बड़े लोग इसके पास आते हैं, वो इसे अपना उस्ताद मानते हैं, जो फकी और फरीसी हैं, जो सरदार कायन है, जब मसीह यीशु बात करते हैं तो मसीह यीशु की कोई बात ठुकराई नहीं जाती। अब यीशु मसीह ने किस काम को शुरू कर दिया है? वजह यह नहीं होती कि हम खिदमत करना नहीं चाहते, हम खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन हम जो अपना जहन बनाकर बैठे होते हैं कि ये मेरे करने का काम नहीं, हम उसे करना नहीं चाहते। मुझे आज से 8-9 साल पहले याद है जब मैं खिदमत के लिए हड़प्पा में गया, पादरी इरफान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, शायद वो इस बात से वाकिफ़ हों। तो जब चर्च में इबादत को शुरू किया गया तो अतवार के रोज़, चूँकि मैं इबादत से पहले जाता था, तो मैंने देखा कि चर्च
कुर्सियां या चेयर जहां पर लोग नीचे बैठते वहां पर गंदगी होती थी, कागज वगैरह बिखरे होते थे, पिछले अतवार की इबादत के बाद सफाई का काम नहीं हुआ होता था। तो मैंने एक दफा देखा, मैंने अगली दफा ये कहा कि मैं जो आधा घंटा पहले जाता हूँ तो मैं इस काम को करना शुरू करूँ कि मैं खुद से सफाई करूँ। तो एक दो दफा वो कलीसा की खवातीन थी, उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे कहा भाई साहब आप ऐसा ना करें, आपका काम कलाम सुनाना है। मैंने कहा कि मैं आपको एक नमूना देना चाहता हूँ, अगर मैं करूँगा तो आप करेंगे। तो आज तकरीबन इस बात को 9 साल हो गए हैं, शायद एक या दो दफ़ा मुझे ऐसा काम करना पड़ा, लेकिन जब ऐसा नमूना उनके पास गया तो अब ये काम 9 साल से मैं नहीं कर रहा, वो लोग खुद ही इस काम को करते हैं। हम सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन हम एक अच्छा नमूना नहीं बनना चाहते। शायद हम एक दफ़ा करें, हम दो दफ़ा करें, जब हम अच्छा नमूना बनेंगे और वाकई यीशु के हकीकी शागिर्द बनेंगे तो लोग हमारी ज़िंदगी को देखकर खुद इस राह पर चलना शुरू कर देंगे। हम खुदा उनकी खिदमत करना चाहते हैं लेकिन उसकी शरीयत पर अमल नहीं करते, उसके कलाम पर अमल नहीं करते। खुदा उनके कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो कामल रफ्तार हैं, मुबारक हैं वो जो क्या हैं, कामल रफ्तार हैं, जो खुदावंद में चलते हैं और उसकी शरीयत पर अमल करते हैं और अमल करते हुए किसी बात में वो पीछे नहीं हट जाते कि इसमें तो मेरी इज्जत नहीं है, इसमें तो मुझे अच्छा ओहदा नहीं मिल रहा, इसमें तो मैं सामने नहीं आ रहा। कामल रफ्तार जो हैं कलाम में लिखा है वो हैं जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं, जो क्या करते हैं खुदावंद की शरीयत पर, और लिखा है जो उसकी शहादतों को मानते और पूरे दिल से ओहदों के तालिब होते हैं। ये लिखा है कलाम में, यहां पर ये लिखा है जो पूरे दिल से उसके यानी खुदा के तालिब होते हैं। जब हमने खिदमत करनी है तो खिदमत में होते हुए हमने ओहदों के लिए भाग दौड़ नहीं करनी कि 5 साल मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं यहां पर पहुंच जाऊंगा। ये सोचें कि अगर मेरी ये 5 साल की खिदमत है खुदावंद के नजदीक ये कितनी बड़ी खिदमत है। अक्सर हम खिदमत अपने तरीके से करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि मैं जो सोचता हूं वैसा ही हो, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ऐसा करने से हम खुद तो खुश होंगे लेकिन हम खुदावंद को खुश नहीं कर सकते। खुदावंद के कलाम में एक बादशाह का जिक्र हमें मिलता है और हम उसके बारे में थोड़ी देर के लिए जानेंगे कि वो बादशाह कौन था। तवारीख की दूसरी किताब और उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 11वीं आयत, तवारीख की दूसरी किताब यानी दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर उसकी 21वीं आयत के आखिर तक पढ़ेंगे। बड़ा अहम वाक्या है ये, तवारीख की दूसरी किताब दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत, बड़ा अहम वाक्या है और ये सीखने का बायस है उन लोगों के लिए जो अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, अपनी खुशी से काम करना चाहते हैं। खुदावन के कलाम में लिखा है दूसरा तवारीख उसका 26वां बाब और उसकी 16वीं आयत में से पढ़ूंगा आपके लिए, गौर से सुने। लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा, चुनाचे वो हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। तब अज़रिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे जो बहादुर आदमी थे और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया। बादशाह का नाम उज़िया है और जो काहिन है वो अज़रिया काहिन है, कलाम में लिखा है। और उन्होंने उज़िया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे ए उज़िया खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं। काहिनों ने क्या कहा कि खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं है। वो खुदा की खिदमत अपने तरीके से करना चाहता था कि अब वो बादशाह भी है और बखूर भी वही जलाएगा। आगे कलाम में लिखा है बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं, सो मकदस से बाहर जा क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उज़िया गुस्सा हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था और जब वो कहनों पर झुंझला रहा था गुस्से हो रहा था तो कहनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला, कोड़ उसकी पेशानी पर फूट निकला। और ये क्यों हुआ
क्योंकि खुदा की खिदमत वो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं, उसकी शरीयत पर अमल करते हुए नहीं कर रहा था, बल्कि वो खुदा की खिदमत अपने तरीके से कर रहा था। शायद हम चर्च में पास्टर नहीं होंगे, शायद हमारे पास सामने बैठने की जगह नहीं होगी। और आज हमने एक लड़के के बारे में देखा जो मिसेस सारा डैनियल बता रही थी कि वो एक खादम के पास गया और उसने कहा जी मैं चर्च में खिदमत करना चाहता हूँ, बड़ा आजिज़ बनकर आया। तो खादम ने उसे कहा कि हमारे पास अभी जो खिदमत का हिस्सा है वो ये कि चर्च में आप कुर्सियाँ लगा सकते हैं। तो वो आया और उसने देखा और उसने अब ये बात सुनी, तो फिर वो लड़का वहाँ से चला गया, क्योंकि वो ये समझ रहा था कि ये कमतर खिदमत है। खुदावन के नज़दीक उसकी खिदमत का कोई भी काम कमतर नहीं। उसी बादशाह ने जब ऐसा किया तो कलाम में लिखा है कि उसकी पेशानी पर कोड़ फूट निकला और सरदार कहन उजरिया और सब कहनों ने उस पर निगाह की और क्या देखा कि उसकी पेशानी पर कोड़ निकला है। सो उन्होंने उसे जल्द वहां से निकाला, बल्कि उसने खुद भी बाहर जाने में जल्दी की क्योंकि खुदावंद की मार उस पर पड़ी थी। खुदावंद की मार क्या हुई थी उस पर? चुनाचे उजिया बादशाह अपने मरने के दिन तक कोड़ी रहा और कोड़ी होने की वजह से एक अलग घर में रहता था क्योंकि वो खुदावंद के घर से काट डाला गया था। और उसका बेटा यूताम बादशाह के घर का मुख्तार था और मुल्क के लोगों का इंसाफ करता था। खुदा की खिदमत खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं की, खुदा का काम जो है उसको अपनी मर्जी से करने की कोशिश की, तो पहली खिदमत पहला औहदा भी छिन गया। वो बादशाह भी नहीं रहा, कलाम में लिखा वो घर से बाहर नहीं जाता था, वो अपने महल में नहीं बल्कि अलग घर में रहता था और वो दोबारा हैकल में भी ना जा पाया। और आज भी बहुत से लोग वो अपने आप को बाइबल पकड़ते हैं और खुदा का खादिम बना लेते हैं, वो दुआएं करना शुरू कर देते हैं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई बुलाहट नहीं, कोई ख्याल नहीं, कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन लोगों को देखकर आज हम ये रिवाज आम देख रहे हैं कि हर शख्स पास्टर बना है, और बल्कि अब तो सीनियर जूनियर का भी जिक्र आना शुरू हो गया है जो कि कलाम में भी नहीं लिखा। खुदा की खिदमत अगर हमें करनी है तो खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। और कलाम में लिखा है मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं, जो खुदावंद की शरीयत पर अमल करते हैं और उसकी शहादतों को मानते हैं और पूरे दिल से उसके तालिब हैं। और आगे लिखा है उनसे नाराजगी नहीं होती, उनसे नाराजगी नहीं होती, और लिखा है कि और वो उसकी राहों पर चलते हैं, उनसे नाराजगी नहीं होती और वो उसकी क्या करते हैं, राहों पर चलते हैं। नाराजगी कब नहीं होती? जब हम कलाम पर तवज्जा करते हैं, जब हम कलाम के मुताबिक चलते हैं। हम ये जानते हैं कि चर्च में परस्तिश करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी कलाम सुनाना नहीं, या कलाम सुनाना मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं क्योंकि खुदावन ने मुझे ये जिम्मेदारी नहीं दी, या चर्च में कोई भी छोटे से छोटा काम जो हम करते हैं वो मेरी जिम्मेदारी है, भागकर आगे जाना ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। जब हम शरीयत पर अमल करते हैं, शहादतों को मानते और पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं तो फिर हमसे नाराजगी नहीं होती और हम पर खुदा की मार भी नहीं आती। आज हमने इस पहली बात को सीखा कि हमने खुदा की खिदमत को कैसे करना है, खुदा की खिदमत को कैसे करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना कि जो मेरे दिल में आया मैं वो करूंगा। अपने घर में आप जैसे मर्जी करें, आप मुआशरे में जो मर्जी करें, लेकिन जब खिदमत और खुदा की खिदमत आती है तो खुदा की खिदमत हमें खुदा की मर्जी के मुताबिक करनी है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ अपने लिए करें ताकि हम खुदा की खिदमत बेहतर तौर पर कर सकें, उसके बाद हम कलाम में आगे बढ़ेंगे। आए इस दुआ को आप मेरे पीछे दोहराएं। आसमानी बाप, मैं तेरी राहों पर चलना चाहता हूं मगर अक्सर भटक जाता हूं खुदगर्जी और ख्वाहिशात के बायस, पूरे दिल से तेरी पैरवी करने से कासर हूं। ऐ बाप, मैं तेरी राहों और तुझे जानना चाहता हूं, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो, मुझे अपने कलाम से मोहब्बत अता फरमा और अपनी मर्जी पूरी करने में मेरी मदद फरमा ताकि मैं तेरी राहों पर चलूं, मसीह यीशु के नाम से आमीन। पहली बात हमने ये सीखी कि हमें खुदा की खिदमत किसकी मर्जी के मुताबिक करनी है,
खुदा की मर्जी के मुताबिक कर रही हैं, जो खुदावन चाहता है। दूसरी बात जिसको हम सीखेंगे वो ये कि खिदमत करने के लिए, क्या करने के लिए, खिदमत को करने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें क्या करना है, अपनी पहली बात तो ये सोच बदलें कि खिदमत मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैंने काम करना है, वो छोटा है या बड़ा है। आज मैं यहाँ पर खड़े होकर कलाम सुना रहा हूँ, शायद मुझे सुबह आकर यहाँ पर कुर्सियाँ लगानी पड़े, शायद इस जगह को बैठने के लिए साफ भी करना पड़े, ये मेरा काम नहीं कि मैं बताऊं खुदा को कि मैंने क्या करना है, बल्कि मुझे खुदा की मर्जी को जानना है कि वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है। और दूसरी बात ये कि जब खिदमत के लिए आ जाते हैं, कोई भी काम है, वो पास्टर हैं, वो क्वायर में खिदमत करते हैं, वो चर्च की कमेटी हैं, वो चर्च के एल्डर हैं, या कोई भी छोटे से छोटा या बड़ा सा बड़े से बड़ा काम जो हमने सोच रखा हम करते हैं, हमें उसके लिए अपनी सोच को बदलना है। हमें क्या करना है, अपनी सोच को बदलना है। आए हम खुदा उनके कलाम को अपने लिए खोलें और पत्रस रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली तीन आयत की तलावत हम अपने लिए करेंगे। और बेटी सुनीता से दरख्वास्त है कि वो इन आयात को हमारे लिए तलावत करें। पत्रस का पहला खत उसका दूसरा बाब उसकी पहली तीन आयात, खिदमत के लिए अपनी सोच को बदलें, इस हवाला के लिए मेरी दरख्वास्त है कि हम पत्रस का पहला खत दूसरा बाब और पहली तीन आयात की तलावत को देखेंगे। जी पढ़ें। ख्वाही ख्वाही जी जी गोई आमीन। कलाम में लिखा है नौजाद बच्चों की तरह, नौजाद बच्चे छोटे बच्चे हैं, वो रोते हैं तो माँ उसके मुंह में बोटियां डाल देती है, फीडर ही देती हो। बच्चे ने अपने मुंह से नहीं कहना, माँ को पता है कि इन्हें फीडर ही चाहिए है। या आजकल मेरा बेटा वो चूसनी भी ले लेता है, कभी कभी रोता हो। तो नौजाद बच्चा जो है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी तरह हमने बनना है कि हमें पता हो कि मैंने रोना है या मैंने मांगना है, तो मर्जी खुदा की होगी, मर्जी माँ की होगी। खिदमत के लिए अपनी सोच को बदलें। मसीह यसू ने पतरस की सोच को बदला, और वो पतरस जो वो ये सोच रहा था कि ये कमतर काम है, पैर धोना तो बहुत छोटे घर के मुलाजिम का काम है, मसीह यसू ने उसकी सोच को बदला। और मसीह यसू ने खुद ना सिर्फ बदला बल्कि ये काम करके दिखाया। अगर हम किसी को बदलना चाहते हैं कि वो सही खिदमत नहीं कर रहा, तो हमें उसको भी ऐसा काम करके दिखाने की जरूरत है कि उसकी सोच बदले। मसीह यसू ने उसकी सोच बदली। खुदा उनके खादम A.W. टॉज़र वो ये कहते हैं कि मसीही जिंदगी मुश्किल हो जाती है जब हम अपने तरीके से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। मसीही जिंदगी क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है जब हम अपने तरीके से खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। और अक्सर उकात हम खिदमत करते हुए, अगर खिदमत मिल जाए और हमारी सोच के मुताबिक खुदावंद फजल कर दे, रहमत कर दे, और हमें वो खिदमत मिल जाए, तम खिदमत के दौरान दूसरों का कीर समझना शुरू कर देते हैं। अगर खिदमत कर रहे हैं, कोई ओहदा मिल गया है, तो अपनी सोच को बदलें, दूसरों को हकीर ना जाने। और कलाम मुकदस में लिखा है पत्रस का पहला खत उसका दूसरा बाब पहली आयत के अंदर के हर तरह की बद ख्वाही, हर तरह की क्या, बद ख्वाही, सब बोले हर तरह की क्या। अभी 10 बजे हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ, थक गए हैं मेरे ख्याल से आप। हर तरह की क्या, हर तरह की बदख्वाही, यानी दूसरों के लिए अपने जहन में बुरे ख्यालात बांधते रहना और अपनी बेहतरी चाहना कि किसी ने अग्गे नहीं आन देना, मैं ही अग्गे, होर कोई ना अग्गे है। सेकंड लाइन लीडरशिप को तैयार ना करना, ये बदख्वाही है। अपनी बेहतरी चाहना, मरने तक इस जगह पर मैंने ही रहना है और कोई नहीं आ सकता यहां पर, ये जगह मेरी है, मैं किसी को आगे आने नहीं दूंगा। अगर खिदमत खुदावन ने दे दी है, अगर आप सर्वेंटहुड के अंदर आ चुके हैं, खिदमत कोई भी है जो आप कर रहे हैं, उसके लिए अपनी सोच को बदलें। और वो ये कि अपने जहन में बुरे ख्यालात जो आते हैं उनको हटाएं और अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी चाहें, ये बेहतर खिदमत है। और वो क्या है कि हर तरह की बदख्वाही को दूर करें। और दूसरी बात जो कलाम में लिखी है, और सारे फरेब, और क्या, सारे, अच्छा भला पता चले
कि किसी की बेहतरी हो रही है मेरी वजह से, मैं एक पास्टर हूँ, मेरे साथ कोई असिस्टेंट पास्टर बन सकता है, कलीसिया का काम बढ़ रहा है, मुझे खुदावन ने ये तौफीक बख्शी है कि मुझे किसी ने कुछ पैसे दिए हैं, कुछ सामान दिया है कि वो बांटा जाए, लेकिन हम फरेब के साथ किसी को देना नहीं चाहते। ऐसा कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है और हम ऐसे बहुत से लोगों से वाकिफ हैं। कलाम में लिखा है कि हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब जो बददियानती और चलाकी खिदमत में रहते हुए हम कर जाते हैं, एक तो ये कि हम किसी को आगे नहीं आने देना चाहते, बदख्वाही अपनी बेहतरी, दूसरी बात यह कि फरेब दूसरे शख्स के लिए भी खुदावन आपको ज़राए मुहैया कर रहा है, लेकिन आप फरेब के साथ, चलाकी के साथ, बददियानती के साथ उसे आगे नहीं आने देते और क्या कहते हैं जी, हम क्या कर रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं, हम खुदा के खादम हैं। ऐसे खादम खुदा को पसंद नहीं। बददियानती और चलाकी हमारे लिए परेशानी का बायस बनती है, लोगों के लिए बनी है और बनेगी आइंदा भी जो ऐसा करते हैं। कलाम मुकदस में लिखा है कि नुमान कोड़ी जब वो अलीसा के पास पहुंचा तो कोड़ के बायस, जब वो परेशान था, कोड़ी था, उसके जिस्म में कोड़ था, तो वो बड़े माल व दौलत, सोना, कपड़े, चीज़ें अपने साथ लाया और उसने आकर कहा कि ये ले लो और मुझे शिफा दे दो। तो खुदा का बंदा उससे नाराज़ हुआ, उसने कहा कि ये वापस ले जाओ, सिर्फ जाकर यर्दन में गोते मारने हैं तो तू ठीक हो जाएगा। कलाम में लिखा कि वो शख्स नुमान जो है वो बड़ा परेशान हुआ इस बात से। वो आराम की फौज के सरदार, वो जो है वो लश्कर का सरदार था, तो वो बड़ा एक अच्छा, समझ ले कि आज के दौर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बड़े प्रोटोकॉल वाला आदमी, और खुदा के बंदे के पास आया है, लेकिन वो भी ऐसा सीधा बंदा है, उन्होंने दिल ही नहीं किया कि सोना सोना रख ले, उसका दिल ही नहीं किया कि वो कपड़े रख ले। शायद आज के आदमों जैसा होता था, कहता चलो ये तो रखो ना, इतने टीवी दे के जाओ, कोई लाख रुपया फड़ा के जाओ, ऐसे हैं बंदे, ऐसे लोग हैं। लेकिन उसने कहा जा जाकर यर्दन में 7 बार गोते मार तो तू ठीक हो जाएगा। वो शख्स जो शिफा लेने आया था उसने कहा मैं इतना बड़ा बंदा, इसने मुझे मुंह नहीं लगाया। उसके साथ जो उसके नौकर थे उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आसान काम है, यर्दन में गोते ही मारने। उसने कहा बात यह नहीं है कि मुझे गोते मारने, क्या मेरे वहां पर कोई दरिया नहीं अबाना, इतने बड़े बड़े अच्छे दरिया, बड़े नामवर दरिया, वहां पर मैं ऐसा कर सकता था। फिर भी उसने बात मानकर जब गोता लिया वो ठीक हुआ, और जब पता चला कि वो ठीक हो गया तो वहां पर एक फरेबी शख्स भी था, खिदमत गुजार, अलीशा का खिदमत गुजार हजाजी, और वो भी आजकल के मिनिस्ट्री पादरियों की तरह, जो भी आंदा है आंदे हो। वो भी ये कह रहा था कि उस्ताद और आने थे, लिया ही कुछ नहीं, फरेब जिसके बारे में खुदावंद मना करता है। कलाम में लिखा है कि वो गया और उसने कहा कि वो अभी अभी हमारे पास चंद लोग आ गए, तो मेरे मालिक ने कहा कि कपड़े दे दो और थोड़ी चांदी दे दो ताकि हम अपने मेहमानों को दे सकें। उसको तो शिफा मिली थी, उसने दे दिया। जब वो फरेब से लेकर वापस आया, अलीसा को बताया भी नहीं, अलीसा को इस फरेब के बारे में नहीं पता कि उसका खादम क्या काम कर रहा है। जब उसे उसके पास वो खादम आया तो वो समझ रहा था कि अलीसा को पता नहीं। अलीसा ने कहा कि तू कहाँ से आता है, वो खामोश रहा। उसने कहा कि मैं पता लग गया जितो तू आ गया, जरा काम तू पा के आया, मैं पता चल गया। और जब वो वहां पर आया तो उसने कहा कि नुमान का कोड़ तुझे और तेरी नस्ल को लगा रहे। फरेब हमारी जिंदगी में बड़ा बुरा काम करता है। जब हम खिदमत तो करते हैं लेकिन दूसरों के साथ फरेब करते हैं, हम चलाकी खेलते हैं उनके साथ, तो याद रखिए कि वो लानत हमारी जिंदगी में आ जाती है, वो बरकतें लानत में तब्दील हो जाती हैं। कलाम में लिखा है पस हर तरह की बदख्वाही और सारे फरेब, और दूसरी बात यह है रियाकारी। दूसरी बात क्या है? रियाकारी। दरवाजा बंद करें पीछे से। रियाकारी क्या है? खुदा की खिदमत कर रहे हैं लेकिन रियाकारी क्या है? सब कुछ आ रहा है, सब कुछ पास है, लेकिन झूठ बोलना, नहीं जी हमारे पास तो कुछ है नहीं। बहुत से लोग हैं आज वो थोड़ी सी छोटी सी खिदमत शुरू की उन्होंने, आज वो लाखों अरबों में खेल रहे हैं, लेकिन आज भी उनके ऐलानात ऐसे ही हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमें और कुछ दिया जाए। शायद ये बड़ा मुश्किल है, मुझे कहना भी बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन शायद इससे बेहतर कोई मिसाल है ही नहीं। और वो क्या करते हैं कि वो रियाकारी करते हैं, अदाकारी, हमारे पास कुछ है नहीं, हमें और दिया जाए, हमें और दिया जाए, हमें और दी जाए ताकि हम खिदमत कर सकें। ये खिदमत खुदा की खिदमत नहीं, बल्कि ये खिदमत
पैसे की खिदमत है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बदख्वाही, फरेब और रियाकारी अगर खिदमत कर रहे हैं तो इन तमाम चीजों को अपनी जिंदगी में से क्या करें, निकाल दें। तमाम चीजों को क्या करें अपनी जिंदगी में से। चौथी बात है खिदमत भी करना, खादम भी होना और हसद करना। क्या करना, सब बोलें क्या करना, जेलसी जिंदगी में होना। बहुत मशहूर थियोलॉजियन है वाइन ग्रूडन, वो ये बयान करते हैं कि ना खुशी के एहसासात जो दूसरों की तरक्की और फायदे को देखकर हमारे दिल में पैदा होते हैं वो खुदा की जानिब से नहीं। ना खुशी के जज्बात, किसी की चीज देख लेना देखकर खुश नहीं होना बल्कि उसमें कीड़े निकालना, और खास तौर पर खिदमत में रहते हुए, खिदमत में रहते हुए जब हम खुदावंद की खिदमत में होते हैं तो हम जब दूसरों से जलते हैं कि अगर मैं अच्छा खुदा का खादिम हूं तो ये ना बन जाए, मैं अच्छा म्यूजिशियन हूं, मैं चर्च में एक एल्डर हूं तो दूसरा कोई जगह पर ना पहुंच जाए। हम ऐसी तमाम चीजों को जब सरंजाम देते हैं तो खिदमत का काम हम बेहतर तौर पर नहीं कर रहे। और सरदार काहिन जब वो यीशु को पकड़वाने के लिए आए तो यीशु मसीह को पकड़वाने की वजह एक ही थी और वो हसद था, क्योंकि लोग यीशु मसीह से ज्यादा मोहब्बत करना शुरू हो गए थे। वो सवालों के जवाब जो सरदार काहिन या फकीर और फरीसी नहीं दे पाते थे खुदावंद यीशु मसीह उन्हें दे रहे थे, और इस वजह से वो हसद कर रहे थे, और इस हसद की वजह से वो यीशु मसीह को पकड़वा कर पिलातुस के हवाले भी कर चुके थे। खिदमत में रहते हुए बदख्वाही, फरेब, रियाकारी और हसद हमारी जिंदगी में शामिल नहीं होना चाहिए। और पांचवी बात और बड़ी अहम बात कि हमारी जिंदगी में बदगोई नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? बदगोई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैक बाइटिंग, किसी की गैर मौजूदगी में उसके खिलाफ बातें करना। खिदमत में रहते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो खादिम हैं, मेरी खादमों से मुराद हरगिज़ भी पास्टर्स नहीं, आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं आप खुदावंद की खिदमत में हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं और कर रहे हैं। अगर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं कि वो खिदमत सही नहीं कर रहा तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको अपने पास बुलाएं, बड़ी मोहब्बत से बयान करें। अगर खिदमत में है तो हमें किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करनी। तो क्या करना है? कलाम में इसका जवाब भी मुहैया किया गया है कि हमें नौजाद बच्चों की मानिंद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक होना है, ताकि उसके ज़रिए से निजात हासिल करने के लिए हम क्या करते जाएं, बढ़ते जाएं। हम क्या करते जाएं? जब ये पांच तरह की बातें हमारी जिंदगियों में होंगी, हमारी ज़िंदगी में होंगी, तो हम खिदमत करने वाले तो होंगे, लेकिन खिदमत में ये जो पांच बातें हैं ये हमारी खिदमत के काम को कमज़ोर कर देंगी, हमारी ज़िंदगी अच्छी गवाही साबित नहीं होगी और मसीह भी हमें अच्छे खादम नहीं कहेगा, क्योंकि ये सब कुछ पतरस की ज़िंदगी में भी था और मसीह यीशु ने पतरस को ऐसे मौके पर सख्त नापसंद किया। हमें इस बात को याद रखना है कि अगर हमने खिदमत करनी है तो उसके लिए हम खुदा की मर्ज़ी को जाने। किसकी मर्ज़ी को जाने? खुदा की मर्ज़ी को जाने। हम बदख्वाही से, फरेब से, रियाकारी, हसद और बदगोई से खिदमत ना करें, क्योंकि खुदावन इससे पसंद नहीं करता। आए हम दुआ करें इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ऐ खुदावन मैं तेरी खिदमत तेरी मर्जी से करूं ना कि अपनी मर्जी से। आए हम दुआ करें और आप इस दुआ को मेरे पीछे दोहराएं। प्यारे बाप, मैं इकरार करता हूं कि मैंने दूसरों के लिए हसद तलखी से बहुत कुछ किया है। मैं जानता हूं अगर मुझे अपने ख्यालात और ईमाल से तुझे जाहिर करना है तो मुझे अपनी सोच को बदलना होगा, मुझे रूहानी खुराक से सेर होना है। तेरा कलाम नूर और जिंदगी से भरपूर है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी हैं, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती हैं। ऐ खुदावन मेरी मदद फरमा, गुनाह के असबाब को मेरी जिंदगी से दूर कर, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे कलाम से सेर हूं और तेरी सच्चाइयों पर दिल लगाऊं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से।
आमीन। तीसरी बात जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि खिदमत करने का बेहतर तरीका क्या है। हमने ये देखा, हमने दो बातों को सीखा कि खुदावंद की खिदमत उसकी मर्ज़ी के मुताबिक की जाए, और खिदमत जब करनी है तो उसके लिए पहले हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। जब खादम बन गए हैं तो फिर दुनियावी बातें या दुनियावी सोचें हमारी ज़िंदगी में शामिल नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी ज़िंदगी एक तब्दील शुदा और बेहतर ज़िंदगी नज़र आनी चाहिए। और खिदमत करने का बेहतर तरीका क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि हम इब्रानियों के नाम का खत उसका 12वां बाब और उसकी पहली 3 आयात की तलावत को करें। भाई खुरम जॉन, इनसे भी दरख्वास्त है कि वो इन आयात की तलावत हमारे लिए करें। आमीन। थैंक यू। आज हम ही वो लोग नहीं जिनको खुदावंद ये कह रहा है कि हम खुदावंद की खिदमत जो है वो उसकी मर्जी के मुताबिक करें, बल्कि जितने भी लोग इस दुनिया में आए, कलाम में लिखा है कि जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है। सिर्फ हम ही वो लोग नहीं जिन्हें खुदावंद ये कह रहा है, या आज हम इस बात को सीख रहे हैं कि हमें खुदा की खिदमत खुदा के कलाम के मुताबिक उसकी शरीयत के मुताबिक या उसकी मर्जी के मुताबिक करना है, बल्कि हमसे पहले जितने भी लोग इस दुनिया में आए उन्होंने खुदावंद की खिदमत खुदावंद की मर्जी के मुताबिक की। दानियल बड़ा अच्छा खुदा का बंदा था, अक्लमंद था, बड़ा ज़हीन शख्स है, बादशाह उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जब खुदा की इबादत की बात आती है या खुदा की खिदमत करते हुए एक गैर मुल्क में रहते हुए उसके ईमान की बात आती है तो उसने ओहदे की फिक्र नहीं की, उसने उस खिदमत को अहमियत दी जो खुदा ने उसे दी थी कि वो गैर कौम में रहकर खिदमत करे। बादशाह कहता है, बादशाह के लोगों ने ये कहा कि बादशाह की परस्तिश की जाए, उसने परस्तिश को ठुकराया और शेरों की मान में जाना कबूल किया। ये असल खिदमत है, ये बेहतर तरीका है कि हम दुनिया को या उसकी चीज़ों को अहमियत ना दें। अक्सर औकात खिदमत में रहते हुए ऐसी बहुत सारी बातें हमारे आड़े आ जाती हैं जिनको जब हम करने लगते हैं, खुदा की खिदमत करने लगते हैं, तो हमारे सामने ऑप्शन होता है कि ये या ये, तो हमें खुदा की खिदमत को अहमियत देनी है। दानियल ने शेरों की मान में जाना कबूल किया, उसने बादशाह के हुक्म की परवाह नहीं की। सदरक मीसक और अबदनजू वो खुदा के लोग थे, उन्होंने आग की भट्टी में जाना कबूल किया। ये बेहतर तरीका है कि खुदावंद के लिए हम कुछ बर्दाश्त करने के लिए चल पड़े, ये खिदमत का बेहतर तरीका है कि हम खुदावंद के लिए आग में जाना भी कबूल करें। सदरक मीसक और अबदनजू ने खुदावंद की इस खिदमत को करते हुए जब ये मौका आया कि उन्हें अपने ईमान को लोगों के सामने जाहिर करना है तो अच्छा खादिम होते हुए उन्होंने आग की भट्टी में जाना कबूल किया। और जब हम इमाल की किताब को पढ़ते हैं, इब्तदाई कलीसिया, उन्होंने आरों में चीरा जाना, उनके बच्चों को आग के अंदर डाला जाना उन्होंने कबूल किया, लेकिन उन्होंने अपने ईमान का इनकार नहीं किया। उन्होंने वो खिदमत जो उन्हें मिली थी उन्होंने उस खिदमत को बेहतर तौर पर सर अंजाम दिया। मसीह यसु ने 5,000 लोगों को, तकरीबन 5,000 से ज़्यादा लोग थे, उन्हें कितनी रोटियां और कितनी मछलियां थी जिनसे शेयर किया? 5 रोटियां और आप ये जानते हैं कि वो किसने दी थी? बाइबल में कौन था, उसका क्या नाम था? एक बच्चा था छोटा, क्या नाम था उस बच्चे का? नाम लिखा ही नहीं है। कितनी बड़ी खिदमत है, कितनी बड़ी खिदमत है कि नाम लिखा ही नहीं और काम इतना बड़ा हो गया। 5 रोटियां वही घर से लेके आया, 2 मछलियां उसने दी हैं और उससे ही हजारों की तादाद जो है वह शेयर हो गई, लेकिन नाम लिखा ही नहीं। जो लेकर आने वाला है वो इंद्रियास है, अगर हम खुदावंद के कलाम में पढ़ें,
और इंद्रियास का नाम कहीं बार बार रिपीट नहीं हो रहा कि इंद्रियास ने बहुत बड़ा काम किया। खुदावंत की खिदमत करने का बेहतर तरीका यह है कि हम खुदा के काम को आगे रखें, ना कि अपने आप को आगे रखें। नुमान कोड़ी को शिफा का पैगाम जिस लड़की ने दिया, उसका नाम ही नहीं लिखा। कलाम में लिखा कि वो एक मुलाजमा थी, एक खादमा थी, जिसका भी नाम बाइबल में पेश नहीं किया गया। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि उसकी खिदमत जो है वो अच्छी खिदमत या बेहतर खिदमत नहीं। मफलूज जो जिसको चार पाई पर उठाकर उसके दोस्त लेकर आए, बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, छत खोल कर नीचे लटका दिया, बड़ी मेहनत की, चारों का नाम ही नहीं लिखा। ये मफलूज शिफा पा रहा है, बड़ा काम हो रहा है, उसका नाम ही वहां पर नहीं लिखा। खिदमत करने का बेहतर तरीका यह है कि खिदमत को अहमियत दें और अजर के लिए खुदावंद पर भरोसा करें। कलाम में लिखा है कि पस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे है, जितने भी गवाह, इससे पहले हम इब्रानियों का खातर उसका 11वां बाब पढ़ें, उसमें हमें बड़े लोगों का जिन्होंने खुदावंद की खिदमत को अहमियत दी उनके बारे में पढ़ें। अब्राहम से लेकर आखिर तक चले आए, जिन जिन लोगों ने खुदावंद की खिदमत को अहमियत दी खुदावंद ने उन्हें बरकत दी। और कलाम में उन्हें खुदावंद ये बयान करता है कि वो हमारे लिए एक बेहतरीन गवाह हैं। जब हम खिदमत करते हैं तो हमें खुदावंद के कलाम को अहमियत देनी है, खिदमत को अहमियत देनी है। और कलाम में ये लिखा है कि आओ हम हर एक बोझ को और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, जो क्या करता है हमें आसानी से, मैं खिदमत कर रहा हूँ मेरा कोई नाम नहीं, मैं खिदमत कर रहा हूँ मुझे अहमियत नहीं दी जाती, मैं खिदमत कर रहा हूँ मेरी कोई तस्वीर नहीं, खुदावंद को अपने आप को दे दें ताकि वो इस गुनाह के बोझ से आपको हटा ले। और कलाम लिखा है और उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें। सबसे अच्छा खादिम मेरे और आपके लिए जो नमूना है वो मसीह यीशु है। कलाम में लिखा है गो के वो खुदा की सूरत पर था, उसने इन इख्तियारात को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा बल्कि अपने आप को खाली कर दिया। और कलाम में लिखा है कि खादम की सूरत इख्तियार की, किसकी सूरत इख्तियार की, खादम की सूरत इख्तियार की। तो कलाम में लिखा है फिर बाप ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खिदमत करने का बेहतर तरीका ये है कि खिदमत करें, खिदमत से हटे नहीं, करते रहें, खुदावन जरूर इस बात का अजर आपको देगा। आज हमने तीन बातों को सीखा और वो ये थी कि खुदावन की खिदमत उसकी मर्जी के मुताबिक करें और खिदमत के लिए अपनी सोच को बदलें, और तीसरी बात ये कि खिदमत के दुरुस्त तरीके जो हैं उनको अपनाएं, नाम के लिए, शोहरत के लिए खुदा की खिदमत ना करें। खुदावन हमें बरकत दे, आए हम अपने सर अपने खुदावन की जुर्म में झुकाएं और दुआ करें। मेरी दरख्वास्त है कि हम सब अपने कदमों पर खड़े हों और इस दुआ को आप मेरे पीछे दोहराएं। आए हम सब इस दुआ को खुदा के खादम के साथ मिलकर करें। आसमानी बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में तेरे हजूर में आते हैं इस भरोसे और यकीन के साथ कि हम अकेले नहीं, हम जानते हैं कि हम गवाहों के बादल से घिरे हैं, हमारी मदद फरमा ताकि हम उन गुनाहों से जो हमारे इर्द गिर्द हैं और हमें तुझसे दूर रखते हैं आजाद हों, और इस राह पर तुझ यीशु को देख। वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, हमारे ईमान को बढ़ा ताकि हम तरक्की करें और हमारी कमजोरियों में तेरी मर्जी जाहिर हो। ऐ बाप, ईमान की वसीला से यीशु नाम में पाते हैं, आमीन। तशरीफ रखें, खुदा बरकत दे।